जिंदगी की व्यस्तता व्यक्ति को समाज के लिए सोचने का बहुत कम समय देती है। उसमें भी अगर कोई बड़ा डॉक्टर हो तो उसे दिन रात व्यस्त रहना पड़ता है। शहर की प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर ऋचा सोनी भी ऐसे ही व्यस्त लोगों में से एक है, लेकिन वे अपनी व्यस्तता में से समय निकालकर समाज को भी देती हैं। इसी कड़ी में उन्होंने दंत चिकित्सा की ओर कदम बढ़ाया है, जिससे लोगों को अपने दांत संबंधित बीमारी के लिए आसानी से इलाज मिल सके। राजधानी भोपाल में उनके दंत अस्पताल का शुभारंभ हुआ। डेंटल क्लिनिक में किस तरह की व्यवस्था है, कैसे बच्चे और बड़े अपने दांतों पर खुद ध्यान दे सकते हैं, इस विषय पर दंत चिकित्सक डॉक्टर ऋचा ने साधनियों से विशेष बातचीत की। बदलते दौर में चिकित्सा व्यवसाय और चिकित्सक कारोबारी बन गया है, लेकिन इन सबसे अलग डॉक्टर ऋचा सोनी स्वस्थ समाज की स्थापना में लगी हुई है। आज वे हमारे साथ मौजूद है। मैम, जैसा कि मैंने शुरुआती उसमें ही कहा कि एक चिकित्सा एक व्यापार बन गया है, लेकिन आपने उसको समाज सेवा से जोड़कर देख रही हैं आप। मतलब मैं ऑनेस्टली जो काम कर रही हूँ बस उसके लिए ही पे करना है बस, और को बिजनेस की तरह तो नहीं देख रही हूँ। बस ये हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम लोग डॉक्टर्स हैं, पेन हील कर सकते हैं पेशेंट्स का, तो मैं अपने आप को लकी मानती हूँ उस चीज के लिए। कैसे ये प्रेरणा मिल रही है आपको कि आप ज्यादातर देखने में आता है कि जो चिकित्सक होते हैं वो समाज सेवा तो करते हैं, चिकित्सा को समाज सेवा के तौर पर जो देखा ही जाता है, लेकिन एक व्यवसाय से भी उसको जोड़ लेते हैं, लेकिन ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिल रही है इस तरीके की? मुझे लगता है मेरी फैमिली का कल्चर ही ऐसा है, जैसे कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं सुन चुके हैं, तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स और मेरे फादर इन लॉ भी, वो भी सबसे काफी जुड़े हुए हैं। आज आपकी दंत चिकित्सालय का शुभारंभ हुआ है, उसका नाम आपने हिंद से रखा है, क्या वजह है? मैं जान सकता हूँ कि परिवार के किसी का नाम तो हिंद नाम से है नहीं, क्या वजह, क्या हिंद नाम रखने की वजह? ये है कि पहली वर्ड तो जो है वो हमारे देश से है, दूसरी वजह ये कि नाम जो होता है क्लिनिक का थोड़ा कैची होना चाहिए, तो हिंद एक अच्छी तरह से लोगों को याद रखने वाला नाम है, और जो हमारा हॉस्पिटल होगा वो भी हिंद के ही नाम से होगा, तो हम अभी से उसको स्टार्ट कर रहे हैं ताकि लोगों को फिर वो याद करने में आसानी रहेगी कि हाँ पीछे अभी ये हॉस्पिटल खुल रहा है। अब मैं आता हूँ दांतों पर। दांत देखा जाता है तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक परेशान करते हैं लोगों को, लेकिन समझने में लोग काफी देर कर देते हैं, उनको लेके आपकी तरफ से क्या सलाह? हाँ, मैं बस लोगों को यही बोलना चाहूंगी जो भी ये बोलते हैं कि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, एक्चुअली ट्रीटमेंट महंगा नहीं है, हमारा नेग्लिजेंस बहुत महंगा होता है, वो महंगा होता है। अगर हम पहले ही समस्या को समझ लें और ट्रीट करा लें तो इतना महंगा नहीं होगा, तो मैं सबको यही सलाह है अपने डेंटिस्ट को 6 महीने में जरूर चेकअप कराएं। ये तो रही सलाह की बात, आम आदमी को जब इस परेशानी होए तो वो देखने में आता है कुछ देसी नुस्खे भी अपना लिए जाते हैं, आप उस पे कुछ बिलीव करते हैं देसी नुस्खे? मैंने तो कभी नहीं किया है, लेकिन हाँ हम लोग सर्वे करते थे जिसपे लोगों ने काफी बोला है कि वो सरसों का तेल और नमक यूज करते हैं, तो बस यही है कि आप लोगों को एक बार समझा सकते हैं। बाकी आजकल लोग पढ़े लिखे हैं और घर में जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है मुझे लग रहा है कि सभी पढ़ी लिखी हुई है, तो वो अपने जो ऊपर के जनरेशन है उनको एजुकेट करने में, और हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए इस चीज का, घर में ही नहीं इलाज करना चाहिए क्योंकि कंडीशन और वर्स हो सकती है। बच्चों की अगर मैं बात करूं, बच्चे तो चॉकलेट खाते हैं, कुछ खाते हैं, सफाई करते नहीं है, परिजनों को लेकर क्या कहेंगे? बच्चे ध्यान दे नहीं पाएंगे, परिजनों को लेकर आपकी तरफ से कुछ विचार? हाँ, परिजनों को मैं यही बोलूंगी कि बच्चों का एनामल जो होता है वो काफी पतला होता है, तो उनको दिन में 2 बार ब्रश जरूर कराएं, रात को सोने से पहले जरूर ब्रश कराएं, बस इतना ही कर सकते हैं बच्चों के लिए, बाकी तो किसी चीज के लिए रोक नहीं सकते। बाकी ये है कि उनको अगर कुछ स्वीट ज्यादा खा रहे हैं तो उनको बोलिए कि मील के बाद सिंपल ऐसे ही ब्रश कर लें। फिर से आपके पास ही आता हूँ कि ये तो रही डेंटिस्ट की बात, क्या कभी सोचा था कि एक दंत चिकित्सक आप राजधानी में एक नामी गिरामी बन पाएंगे? आप नामी गिरामी तो मैं पिछले आई थिंक 15 ईयर से डेंटिस्ट्री पढ़ रही हूँ, तो वो तो अपने आप एक ड्रीम बन जाता है आपका, मतलब पहले आपने BDS किया, फिर MDS किया, फिर किसी क्लिनिक में काम किया है मैंने, तो उसके बाद मुझे ऑब्वियसली लगा कि नहीं अभी मेरे को टाइम आ गया कि मुझे अपना सेटअप करना है, क्योंकि वो भी नाम बनने में काफी टाइम लगता है डॉक्टर्स को, मतलब 3 to 5 years तो नाम बनने में ही लग जाते हैं, तो बस अभी ये मेरे नए एडवेंचर की शुरुआत है। बिल्कुल, हम भी यही शुभकामना देते हैं। एक अंतिम सवाल, ये तो जो दयाल कैंपस है
दयाल कैंपस में जब शुरुआत करते हैं, नीचे किसकी क्लिनिक है, फिर ऊपर आपकी डेंटिस्ट की आ गई, फिर उसके बाद पता चल रहा है कि आप अभी एक अस्पताल का भी काम चल रहा है, हमें शहरवासियों को कब इसकी सौगात मिलने वाली? मुझे लगता है कि पीछे वाला हॉस्पिटल आई थिंक 1.5-2 साल में रेडी हो जाएगा सभी के लिए, और तब आप लोगों को जरूर उसका अवलोकन कराएंगे। छोटा सा सवाल और है, आप तो दंत चिकित्सा से जुड़ गई हैं, परिवार के कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो इस चिकित्सा के रूप में समाज सेवा कर रहे होंगे? नहीं, मेरे घर में मैं इकलौती डेंटिस्ट हूँ, कोई भी नहीं है, बाकी सब मेडिकल फील्ड से जरूर हैं। मेरे हस्बैंड ऑर्थोपेडिशियन है, मेरे फादर इन लॉ ऑर्थोपेडिशियन है, तो हाँ मेरे फादर इन लॉ का बहुत बड़ा हाथ है इस इंस्पिरेशन में। मतलब मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन कराने में पूरा डिसीजन फोर्सफुल उन्हीं का है, तो मैं उनके लिए हमेशा थैंकफुल हूँ। जी, वो मेरे हस्बैंड की है जो कि ऑर्थोपेडिशियन है, और उनका ही मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पीछे खुलने वाला है। धन्यवाद ऋचा जी हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने कि एक ऐसा कैंपस है राजधानी भोपाल में जो राजधानी के करोद एरिया में जो स्थित है, यहाँ पर आप अगर आएंगे तो आपको एक ही जगह पर तमाम तरीके की सुविधाएं, यानी कि मैं बताऊं कि मानव शरीर से जुड़ी तमाम सुविधाएं आपको यहाँ उपलब्ध होंगी, चाहे वो दांत से संबंधित हो, चाहे आपके हड्डी के किसी भी कोने का दर्द हो या किसी भी तरह की समस्या हो, और इसके कुछ ही दिन बाद जल्द ही आपको एक बहुत अच्छी और सुविधाजनक अस्पताल की सौगात भी राजधानी भोपाल के करोद इलाके के दयाल कैंपस में मिलने वाली है। कैमरा पर्सन आदर्श के साथ देवेंद्र पटेल, साधना न्यूज़ भोपाल।